नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में लेटेस्ट सीबीएसई क्वेश्चन देख रहे थे क्लास टेंथ का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख रहे थे। आप नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले वीडियो को जाकर देखिए, तब एक साथ आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज। पहला ऑप्शन में कह रहा है, ए में कह रहा है कि 2 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 10/3। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये 2020 में आ चुका है। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन। देखिए साइन थीटा इक्वल टू हम लोगों को दिया गया है कॉस थीटा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया गया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इस कॉस थीटा को इसके नीचे में लाइए, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इससे क्या बेनिफिट हुआ, देखिए ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1। आप लिख लीजिए क्या जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। अब इसे आगे देखिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से क्या है टेन, यहाँ पे उसका वैल्यू कितना दिया, 1 दिया गया है। हम जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसको लिख सकते हैं कि ये टेन थीटा इक्वल टू टेन 45 डिग्री। ये 10 से 10 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब देखिए हम लोग वैल्यू किसका निकालना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ। देखिए हम लोग वैल्यू निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए कि टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कीजिए, थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा टेन थीटा का जगह 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कॉट थीटा का जगह 45 डिग्री का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉट 45 भी कितना होता है, 1 होता है। सॉल्व कर लीजिए, ये 1 प्लस 1 आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1 एंड कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 1। जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे बगल में लिखिएगा ताकि अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। यहाँ पे लिख लीजिए कि ए इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, क्या कह रहा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया गया है। तो हम लोग कह रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन ए में कह रहा है 1/√2, ऑप्शन बी में कह रहा है 1/2, ऑप्शन सी में कह रहा है 0 एंड ऑप्शन डी में कह रहा है √2। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में आ चुका है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन। देखिए हम लोग को दिया गया कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया गया, 0। यहाँ पे दोस्तों देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया गया है। तो कॉस के केस में देखेंगे 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, हम लोग जानते हैं कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो लिख लीजिए कॉस 90 डिग्री इक्वल टू कितना, 0। ये हो जाएगा हम लोग कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। ये कॉस से कॉस यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब देखिए हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, हम लोग को वैल्यू निकालना है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का। लिखेंगे देयरफॉर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री अपॉन में 2। यहाँ बगल में लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन 1, ये हो जाएगा हम लोग कॉस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पर लिख लीजिए ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। दोस्तों कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए।
यहाँ पर लिख लीजिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर फाइव भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि इफ cos थीटा इक्वल टू दिया गया रूट थ्री अपॉन टू एंड sin फाइव इक्वल टू दिया गया वन अपॉन टू, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस फाइव इज। ऑप्शन ए में कह रहा है रूट थ्री, ऑप्शन बी में कह रहा है वन अपॉन रूट थ्री, ऑप्शन सी में कह रहा है वन एंड ऑप्शन डी में कह रहा है नॉट डिफाइंड। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में आ चुका है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, देखिए cos थीटा इक्वल टू हम लोगों को दिया गया है, cos थीटा इक्वल टू दिया गया रूट थ्री अपॉन टू। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, cos थीटा है और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया गया रूट थ्री अपॉन टू। तो cos थीटा के केस में, cos के केस में रूट थ्री अपॉन टू कितना डिग्री का वैल्यू होता है, हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रूट थ्री अपॉन टू होता है। इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा हम लोग cos थीटा इक्वल टू cos 30 डिग्री। यहां से देखिए cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक इसी तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन को लाएंगे। यहाँ पे sin फाइव का वैल्यू कितना, वन अपॉन टू दिया गया है, लिखेंगे एंड ये sin फाइव इक्वल टू दिया गया वन अपॉन टू। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन है और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया गया है। तो साइन के केस में देखेंगे वन अपॉन टू कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वन अपॉन टू होता है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये साइन फाइव इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ये साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, टेन थीटा प्लस फाइव का, लिखेंगे देयरफोर देयरफोर टेन ये थीटा प्लस फाइव, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा टेन, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री प्लस, देखिए थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री और फाइव का वैल्यू कितना, यहाँ दोस्तों फाइव है, ये देखिए क्या फाइव और ये क्या फाइव है, यहाँ पे फाइव का वैल्यू कितना 30 डिग्री ही है, यहाँ पे 30 डिग्री रख लीजिए, ये हो जाएगा टेन, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर थ्री होता है। यहाँ पे लिख लीजिए कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 डिग्री इक्वल टू रूट अंडर थ्री, टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा और यही दोस्तों इसका आंसर होगा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए ऑप्शन ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि टू टेन 30 डिग्री अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में कह रहा है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी में कह रहा है कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी में कह रहा है टेन 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी में कह रहा है साइन 30 डिग्री। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये टू टेन 30 डिग्री अपॉन में ये वन प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, आगे देखिए ये टू टेन 30 डिग्री अपॉन में ये वन प्लस, देखिए टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री और इसका हम लोग क्या किया होल स्क्वायर कर दिए, क्योंकि टेन 30 डिग्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है वन अपॉन रूट अंडर थ्री। अब यहाँ पुट कर दीजिए तो जगह टू इंटू टेन 30 यानी कि वन अपॉन रूट थ्री अपॉन में ये हो जाएगा वन प्लस टेन 30 डिग्री होल स्क्वायर, तो टेन 30 का वैल्यू कितना वन अपॉन रूट थ्री और इसका होल स्क्वायर, आगे देखिए ये जगह टू अपॉन में रूट थ्री अपॉन में ये वन प्लस ये वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर करें तो वन वन का स्क्वायर वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये टू अपॉन रूट थ्री अपॉन में इसका एलसीएम हो जाएगा थ्री, वन के टेबल में थ्री थ्री टाइम्स में ये थ्री इंटू वन हो जाएगा थ्री प्लस थ्री के टेबल थ्री वन टाइम्स में तो वन इंटू वन हो जाएगा वन हो जाएगा। अब इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए, अब देखिए इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा टू अपॉन रूट अंडर थ्री अपॉन में थ्री प्लस वन हो जाएगा फोर अपॉन में थ्री। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये टू अपॉन रूट थ्री ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, थ्री चला जाएगा ऊपर और फोर आ जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ पे इसको इसे इसको कैंसिल करेंगे तो टू वन जा टू 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 जा फोर, ये देखिए तो रूट थ्री है और यहाँ पे थ्री है तो थ्री को हम क्या लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, एक रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा तो यहाँ पर रूट थ्री बच जाएगा, ये हो जाएगा रूट थ्री अपॉन में टू। अब दोस्तों देखिए इसका आंसर आया रूट थ्री अपॉन टू,
लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें से कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, रूट थ्री अपॉन टू यहाँ पे है नहीं, यहाँ साइन 60 है, कॉस 60 है, टेन 60 और यहाँ पे साइन 30 है। इसका वैल्यू मैच कराने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे इसका वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट थ्री अपॉन टू, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, टेन 60 का वैल्यू होता है रूट थ्री और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, देखिए ये रूट थ्री अपॉन टू, ये रूट थ्री अपॉन टू है यहाँ पे, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।